नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके बाद कई बातें और सामने आई हैं। दरअसल लगातार आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस सरकार पर कि जब से गहलोत सरकार आई है क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि जब गहलोत सरकार आई उसके बाद एक नियम निकाला गया कि अगर किसी की FIR दर्ज नहीं हो रही है, किसी फरियादी की शिकायत नहीं सुनी जा रही है, तो उसके लिए SP के पास जा सकता है और वहाँ पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकता है। और ऐसे में जो उनकी FIR दर्ज नहीं कर रहा है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद से लगातार क्राइम बढ़ने लगा, जैसा कि सरकार का कहना है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हम पे आरोप लगा रही हैं, जबकि खुद NCRB की तरफ से ये कहा गया है कि जो क्राइम होता है उसका वो एक अलग चीज़ है और क्राइम का पंजीयन, यानी कोई अगर अपराध हुआ है उसकी अगर पंजीयन होता है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों में ही एक फ़र्क है, क्योंकि पहले जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि BJP सरकार के दौरान कई बार फरियादियों को वापस लौटा दिया जाता था थाने से, उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब इसमें परिवर्तन आया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जो पुलिस है उसको भी काफी आड़े हाथों लिया। उन पुलिस को भी कहा कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, कोई फरियाद लेकर आ रहा है, तो उस पर पहले सबसे पहले आप उससे ढंग से बात कीजिए, उससे अच्छे से बात कीजिए, जिससे कि उसके मन में विश्वास जागरूक हो, क्योंकि एक पुलिस के प्रति और प्रशासन के प्रति लोगों में एक अविश्वास आ गया है कि सीधे से बात नहीं करेंगे, या फिर खुद जो कोई गरीब तबके का लोग व्यक्ति है या फिर कोई मध्यम वर्गीय परिवार से कोई व्यक्ति है तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, उनके मन में विश्वास जागना चाहिए कानून के प्रति, प्रशासन के प्रति। साफ तौर पर इस चीज़ को लेकर पुलिस प्रशासन को एक निर्देश दिया गया है कि आगे कभी भी इस तरह की कोई शिकायतें नहीं आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति डर की वजह से शिकायत दर्ज कराने नहीं गया, या फिर कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने गया तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। इसी दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने एक चीज़ और कही, वो ये थी कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि राजस्थान में क्राइम बढ़ा है, जबकि ये कहा गया है कि राजस्थान में क्राइम वही है लेकिन शिकायत दर्ज होने का सिलसिला बढ़ा है, इसलिए आंकड़े में वृद्धि हो रही है। और खुद जब FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त किया गया था कि अगर किसी भी तरह का कोई शिकायत लेके आता है तो उसकी FIR दर्ज करना ज़रूरी है, तब भी कहा गया था कि आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं उनका फोकस कानून व्यवस्था पर है, क्योंकि लंबे समय से आरोप लगाया जा रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था डगमगा रही है, खासकर महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर कई मामले सामने आ चुके हैं और कई इस तरह के मामले उठाए जा चुके हैं जिनमें पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई है, और जिसके खामियाजा वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि अब ऐसा कोई भी मुद्दा जो BJP है या विपक्षी पार्टी है उसको सौंपा जाए, जिससे कि इस तरह की जो ये एक माहौल बनाया जाता है सरकार के खिलाफ वो ना बनाया जा सके। इसी के अलावा राजस्थान की और बात करें तो एक नया मुद्दा राजस्थान में अब उठा है, वो है हॉर्स ट्रेडिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला तो पहले ही आ चुका है, लेकिन इस बार मामला है पार्षदों से जुड़ा, महापौर से जुड़ा। दरअसल पहले विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया था, लेकिन अब पार्षदों की आ रही है, क्योंकि बोर्ड बनाना, दोनों ही पार्टियों को बोर्ड बनाना है जयपुर ग्रेटर में और हेरिटेज में, जिसमें हेरिटेज के लिए सबसे ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं दोनों ही पार्टी, क्योंकि दोनों में से किसी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि BJP की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। एक ऑडियो भी वायरल किया गया है जिसमें BJP की जो महापौर प्रत्याशी है उनके पति किसी पार्षद से बात कर रहे हैं और उन्हें लालच दे रहे हैं, उनको ऑफर दे रहे हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे, कुछ उसमें 25-25 की बात की गई है, साथ ही गाड़ी का ऑफर दिया गया है। क्लियर आप सुन सकते हैं कि उसमें ऐसे इस तरह की बातें की गई हैं जिसमें कई तरह के उनको प्रलोभन दिए गए हैं कि वो कैसे भी BJP का साथ दें जिससे कि वोट BJP का बन सके। तो ये मुद्दा भी काफ़ी गर्माया है, और इसके जैसे ही ये मुद्दा सुर्खियों में आया, मीडिया में आया, उसके बाद दोनों ही पार्टी आक्रामक हो गई। BJP की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये BJP को बदनाम करने की साजिश है, पहले भी ऐसी साजिश की गई है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि BJP ने पहले भी ऐसी साजिश रची है, दोबारा ऐसी साजिश रच रहे हैं, लेकिन हम इसे नाकाम करके रहेंगे।
राजस्थान की राजनीति में ऑडियो क्लिप का मामला एक बार ये फिर से आया है। पहले भी ऑडियो क्लिप के मामले ने काफ़ी ज़्यादा राजनीति को गर्मा दिया था। अब देखना होगा कि ये जो नई ऑडियो क्लिप आई है और जो ये नया मामला उठा है, ये अब राजनीति को कहाँ लेकर जाता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल जरूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।